तो आज मैं ना अपने आप खाना डाल रहा हूँ क्योंकि ये ना मेरे से गुस्सा हो रखी है। हर हर महादेव। सुबह का बज रहा होगा करीबन 6:30 और घूम के भी आ गया, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली, छत पे हूँ अभी। बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रखा है। तो सूर्य उदय होने वाला है, शिवा तो सो ही रखा है, 7 बजने वाला है अभी। और इसने जोत भी जला दी है और अभी ये चढ़ा रही है सूरज भगवान पे। चल सूरज भगवान पे आवे। आज ना मैंने कितना से टाइम पे जल चढ़ाया, मतलब उदय हो ही रहा था। तो नाश्ता बना दिया इसने, नाश्ता करता हूँ मैं। शिवा की ना गुड मॉर्निंग हो गई, मेरी गोदी में बैठा है। ठीक हो आप? लग रहा है आपको? शिवा की ना नहाई नहाई करवा दी, सिर में ना मैंने इसके पानी नहीं डाला क्योंकि इसको जुकाम सा हो रहा है, तो गर्म पानी से ना हो करके अच्छे से कर दिया मैंने इसे, तो साफ साफ सा सही रहता, नहीं तो बच्चे ना है छा। इन शिवा की कपड़े देख, पजामी नोनी वहाँ नहीं जाते ठंडे में, उधर नहीं जाते, थोड़ा धूप धूप सी लग जाएगी ना कपड़े। तो शिवा की ना हो गया, शिवा तैयार हमारा, रुक जाओ इसको अंदर डालो, तैयार हो गया। और पता क्या, नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पैरों में इसके ना पैरों में हल्का दर्द सा कमजोरी शुरू, नीचे बैठ जाओ। और पता मैंने शिवा की ना ये वाली स्वेटर निकाली थी, बोला ये नहीं पहनानी, ये पहनानी थी वो नहीं, कौन सी वाली? ये। दीदी ना सफाई कर रही इधर, क्योंकि नवरात्रि आने वाले है ना, तो घर की शिवा बोला मैं करूंगा। कौन करेगा? शिवा। इतनी जिद कर रहा ना कि मेरे को करना है कि साफ। अब ऐसे जुकाम हो रहा, उधर नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं। डम्बू आपको डम्बू दिखा रहा, दीदी को देख रहा हूँ। तो सब्जी वाला तो मैंने लिया, कद्दू बनाएंगे, टमाटर लिए, कौन सा गद्दा है? छोटा गद्दा। और वो तो बैठा हुआ है, आराम से उतरो। हाँ, और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। बॉईल करा था मैंने कद्दू, लेकिन इस कद्दू में इतना पानी था, मतलब ना, और बोलते हैं जिस कद्दू में पानी हो ना ज़्यादा तो कद्दू ना अच्छा होता है, कि सुनने में ताता था। बस मैं इसका पानी ना सोख लूँ। क्या दो दो पहल में? और आजकल ना पता नहीं शक्ल सूरत ना अजीब सी हो रही, चिपकू चिपकू से बाल हो रखे मेरे। आज बृहस्पतिवार है, आज धुले नहीं कल धुलूंगी। क्या निकाला, क्या निकाला शिवा? ये क्या? ओहो, पर उस वाले बेड की बेडशीट मैंने धुली है क्योंकि कल थोड़ा बहुत शिवा महाराज जी ने शुसु कर दिया था, तो मैंने धो दी थी, गद्दा मैंने सुखा लिया था। वो माँ खाना खाओगे ना, सब्जी खाओगे? सब्जी आपको तो सब्जी अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? अभी दिन में थोड़ा गर्मी सी हो रही, तो मैंने शिवा की स्वेटर और पैजामी ना चेंज कर दी। हम दोनों ने खाना खा लिया है और लगभग 1:15 बज रहा। देखो इसके ड्रामे ऐसे होते हैं। तो आज ना हमारे किचन का लुक थोड़ा चेंज लग रहा होगा,
चेंज किया, मतलब कि जो ओवन है हमारा वो यहाँ पे रख लिया, वहाँ था रखा हुआ, क्योंकि ना ओवन ओवन ना हमारा जो उसकी मोटर होती है ना वो ना जल गई थी, तो लेकिन आज सागर ने ना ठीक कर दिया इसे, तो ये यहाँ पे नहीं रखना है, ये इसकी जगह ना इधर कहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्विच ना उधर ही है, तो यूज़ वगैरह में तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है खाना वगैरह गर्म वगैरह करने के लिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ कैसे करूँ, थोड़ा करना हो रखा ना इसको ठीक। तो चीज़ है घर पे तो उसका यूज भी होता है ना कि थोड़ा बहुत कर ही ले, लेकिन स्विच ना यहाँ पे है, फ्रिज भी है यहाँ पे, तो जो भी है, लेकिन थोड़ा स्पेस ना यहाँ पे कम है, तो इस हिसाब से उसको ना मैनेज करना पड़ेगा, मतलब उस हिसाब से देखती हूँ मैं थोड़ा देर रुक के। तो मैंने ना ऐसा कर दिया है, वो ना रैक मैंने धर लिया ही मैं इस साइड को सामने पर, ओवन मैंने ना उधर को डाल दिया, स्विच ना वगैरह देख लेंगे लगाने का, फ्रिज थोड़ा इधर करना पड़ेगा जब उसको यूज करो, तो मतलब यहाँ से वहाँ नहीं उठाना पड़ेगा, वहीं पे थोड़ा बहुत खिसका लेंगे जब यूज़ करना होगा, एक किनारे कर दिया मैंने इसे, और बर्तन धोने के लिए थोड़ी सी ही जगह है, पर चलो कोई नहीं मैनेज हो ही जाएगा, करना पड़ता है मैनेज। तो अब ना थोड़ा बहुत ही इनको ना ठीक करती हूँ, और क्या है कि यहाँ पे ना ये जो ये है रैक सी ना, ये सारा ना चूना है, चूना जो हम गीले बर्तन रखते हैं या पानी के लिए गिलास वगैरह ऐसे ना, तो इसको ना मैं गीले कपड़े से ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धोती तो मैं बहुत कम हुई, धुली थी मैंने कब, जब छिपकली आई थी शायद, हाँ उस टाइम पे, तो साफ़ तो है ही ना, वैसे भी साफ़ है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ना कपड़े से साफ़ कर देती हूँ बर्तन वगैरह निकाल के। तो अभी ना मैंने सारी किचन ना सेट कर दी है पूरी अच्छे से, बर्तन भी था धुलने के लिए वो भी धुल दिया, और ये मैंने निकाले हुए टमाटर, ये पुराने वाले टमाटर हैं, तो आज मैं प्याज टमाटर की थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी ज़्यादा नहीं। शिवा ना सो ही रहा है अभी भी, लगभग 6:15 बज गया, तो सबसे पहले ना हाथ मुंह धुलती हूँ अच्छे से और करती हूँ पूजा, फिर करूँगी और काम। अच्छा सा लग रहा किचन साफ हो गई ना सारी, अच्छा सा लग रहा सारी ना किचन साफ हो गई, यहाँ नीचे भी ना मैंने सारा साफ कर दिया, तो किचन भी ठीक हो गई। तो अब मैंने ना पूजा वगैरह कर ली है, और मैंने ना कपूर जलाया हुआ है, मैं दिया ढूंढ रही थी लेकिन मेरे को ना दिया मिल नहीं रहा था, पता नहीं यहाँ ऊपर कहीं रख दिया मैंने, तो मैंने ना ये साफ कटोरी सी थी प्लेट सी छोटी, तो इसी में जला लिया, सही रहता कपूर जलाना ना घर में, तो पूजा वगैरह कर ली, और मैं ना शिवा का ही वेट कर रही हूँ कि शिवा उठेगा, तो फिर तब इसको ही देखती हूँ, खाना बनाना है वैसे तो अभी, पर कोई नहीं खाना वगैरह तो बन जाएगा। ये देखो कौन उठ गया, हमारा शिवा उठ गया। शिवा वो क्या है वहां उधर रखा हुआ, ओनन ओनन, ओवन को बोल रहा ओनन क्या है ओनन ओनन, वहां था ना वहां रखा था, वहां रख दिया क्या, सब कुछ जय कर दो जय। मैं ना सब्जी बना रही थी, रखी मैंने प्याज टमाटर की सब्जी बना रही हूँ आज, कुछ ना चटपटा चटपटा सा खाने का मन हो रहा, तो वही बना रही हूँ अलग सा, और शिवा ना कार्टून पे बिठाया था मैंने शिवा को, लेकिन उसको कार्टून नहीं देखना है, बोला माँ गोदी की गोदी ले ले मुझे, तो मैं चप्पल पहन लेती हूँ ना, बिना चप्पल के ना चला नहीं जाता अंदर, पैरों में ना दर्द दर्द से होने लग जाता है ना शिवा। शिवा देखो शिवा गिर जाएगा बेटा, शिवा ना मेरी गैस पे टाई करता रहता है ना, कि नहीं वही रखो उसको, वाली रख ओ शिवा शिवा, ओ मुझसे कैसे लड़ रहा, इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो ना इरिटेट सा हो रहा है, जब मैं कुछ भी कर रही ना मेरे बाल कैसे कर दिया शिवा तूने, तो यहाँ देख रहे यहाँ मेरे को मार निकली ना तकिया आ रही, कहाँ गया शिवा कहाँ गया, पर तकिया उठा के लाया मेरे सिर पे मार रहा, शिवा नहीं बेटा गंदे काम नहीं करते हैं, इसको ना मस्ती सूझ रही, इसको मस्ती, गंदे काम क्या इसको मस्ती, मस्ती सूझ रही इसको मस्ती,
मम्मा क्या 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 ने क्या शिवा का ना फुल फुल मूड है मस्ती करने का। डर गया ना, अंदर रूम, अंदर वाले रूम पे गया और ये बैग ले आया अपना ढूंढ रहा गया। हाँ छोटी, अरे ये बड़ी, पहले से नहीं निकाली थी ना तो इसलिए बोल रहा कि छोटी। हाँ माँ, और क्या है, कैसे देख रहा। हाँ ये दो, तो दो दो गिन, नहीं दो तीन बोलो। शिवा को तो ना काउंटिंग आती है। शिवा बोलो वन वन तीन तीन। अच्छा पहले बोलो वन थ्री थ्री, बोलो थ्री, बोले नहीं रहा, उसका ध्यान हुआ है ना। चेंज कर दिया। उसने ना आज किचन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आज मैं ना अपने आप खाना डाल रहा हूँ क्योंकि ये ना मेरे से गुस्सा हो रखी है। क्यों गुस्सा हो रखी थी मेरे से? बोली ऐसे करके मैं अपनी नाक पकड़ लूंगी। शिवम माँ बोल रही है ऐसे करके नाक पकड़ लेगी अपनी। तो आप किसे पकड़ोगी? अपनी, तूने बोला कि अपनी मैं ऐसे करके नाक पकड़ूंगी। मैं भाव नहीं देता कैसे भाव देने तुझे? पक्का ऐसी गर्लफ्रेंड है का? कितने भाव देने तुझे? तो खाना भी डाल लिया मैंने। तो मेरे पास ना घोड़े की पूंछ लेके आ रहा और चिल्ला रहा, पूंछ पूंछ, और वहां लगा रहा उसको। शिवा क्या है वो? पूंछ। लग नहीं रही है ना उससे, हल्ले मचा रहा। नहीं लग रही तो फेंक देना, फेंक दो उसे, नहीं लग रही तो फेंक। पहले डॉगी को मम पिला रहा और फिर खुद पी गया। पी पी बोल पी। ये ना पहले ना मैं खा रही थी ना, डॉगी को लेके आया, बोला उसको ऐसे करके खा ले। तो हे गाइस, खाना पीना भी हो गया है और अब करते हैं आराम क्योंकि सुबह तो आजकल जल्दी उठे रहे हैं। तो इसी के साथ साथ करते हैं ब्लॉग का एंड और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।